देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं, करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग। ये रही इनकी बात, अब मेरा भी ओपिनियन सुन लो। इन्होंने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी एग्जांपल दिया है, सही है, नो डाउट, आई एम एग्री। लेकिन आजकल जो जेनरेशन है उसके नजरिए से अगर हम सोचे तो कोई कितना भी ये बोल दे, रील मत देखो, फेसबुक मत चलाओ, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, मैं नहीं मानता ये सुनकर आजकल की जेनरेशन ये सब करना छोड़ देगी। कहीं ना कहीं हमें ये सोशल मीडिया और ऑफलाइन दुनिया को एक नजरिए से देखकर चलना पड़ेगा। उस हिसाब से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को देखते हुए अगर हम दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देते चलना सिखाए तो कुछ बदला जा सकता है। 21वीं शताब्दी के बच्चे को 20वीं शताब्दी का संघर्ष बताकर आप अपने आप को समझदार समझते हो तो ये गलत है। 21वीं शताब्दी के बच्चे में बदलाव लाने के लिए हमें 21वीं शताब्दी के बच्चों के नजरिए से ही अपने थॉट प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। क्या आप भी मोटिवेशन के शिकार हैं? क्या आप भी मोटिवेशन में बैकग्राउंड म्यूजिक का चूरन लगाकर सुनना चाहते हैं? क्या आप भी मोटिवेशन अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं? क्या आप भी मोटिवेशन के बदले मोटिवेशन सुनना चाहते हैं? तो आपके लिए आ गया है अंग्रेजी को डिप्रेशन में भेजने वाला, अंग्रेजी 15 दिन में रटने वाला, मोटिवेशन को डीमोटिवेट करने वाला। फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स ऑलवेज टीच मी वन थिंग, माय सन, पीपल विल कैन स्नैच सो मेनी थिंग फ्रॉम योर हैंड But not your luck. हर अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो अच्छा बात करता हो, जरूरी नहीं कि सही में पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं इंटेलेक्चुअल आदमी हो, जरूरी नहीं ज्ञानी और सो कॉल मोटिवेशनल स्पीकर हो, जरूरी नहीं टेडेक्स पे आने वाला अगला गेस्ट हो। 15 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, कॉल सेंटर पर बात करने वाला भी हो सकता है, रिसेप्शन पे बैठने वाला भी हो सकता है, हेलो, हाय, थैंक यू, वेलकम एक्चुअली बोलने वाला भी हो सकता है। आई एम नॉट topper of my school, but one day I will be the topper of my life. बोला था एक बार में एक ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होता है, देखा एक साथ दो लेक्चर अटेंड करने का नतीजा न सही से संदीप महेश्वरी बन सका, न सही से शशि थरूर बन सका। इसे रीप इंग्लिश नहीं डायरेक्ट रेप इंग्लिश बोलते हैं। बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, बेहतर तरीके से साफ साफ दिख रहा है। इसे कोई बताओ टॉपर क्लास का होता है, स्कूल का नहीं, स्कूल कैप्टन होता है। मैं बताया भी किसे रहा हूं, एक दिन में अंग्रेजी सीखकर अगले दिन अंग्रेजी को बर्बाद करना कोई ईसीएसई के डिक्शनरी के बिगड़े रूप। तू अपना एक्टिंग खर्चा मत कर भाई, इसे कोई रोकता क्यों नहीं है, ठहर जा, डीमोटिवेट का लुल्लू अवतार। ऐसे ही रील के छपरी के वजह से आजकल ऑडियंस कमेंट सेक्शन में अपना टैलेंट कमेंट करके दिखा रही है। जैसी स्थिति देखने को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों के लिए मोनेटाइजेशन ऑन कर देना चाहिए। आई रिस्पेक्ट गर्ल्स 100% बट ट्रस्ट नॉट इवन 1%। पहले तो इसे मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन बोलते हैं। दूसरा, ऐसा कर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा और लाउड कर ले। क्या मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक को मोटिवेशन नहीं बोलते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे 5 मिनट मेहनत करने के बाद यूट्यूब पे ये बैकग्राउंड म्यूजिक खोजा है, पूरे 5 MB कुर्बान किया है, 2 मिनट लगा है वीडियो बनाने में और 1.5 मिनट हुआ है अपलोड करने में। देख रहे हो इतना मेहनत, ये पसीना समय पे काहे नहीं आता जी, जब जरूरी पड़ता है सूख जाता है। बहुत मेहनत किया है, पसीना नहीं आ रहा, ऐसा करो कि 2 बाल्टी पानी सर पे डाल दो। ऐसे ही बच्चे A to Z अल्फाबेट बोलना सीख जाते हैं तो अपने आप को अंग्रेजी का PhD टीचर समझने लगते हैं, ट्रक के पीछे लिखे कोड को रट लेते हैं तो अपने आप को मोटिवेशन का कुआं समझने लगते हैं। मोटिवेशन हो गया हो तो कूद जाओ पानी में, भारी मोटिवेशन हो जाएगा। 15 दिन में अंग्रेजी सीखने का यही रिजल्ट आता है। नहीं, ऐसा करो तुम पानी में कूद ही जाओ, शायद गीला होकर मोटिवेशन और अंग्रेजी अलग अलग हो जाए। नो रिजल्ट, keep working. Bad result, keep working. Great result, keep working. But never stop working.
कॉन्सेंटेंसी इज की ऑफ सक्सेस। ये वाला कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी वाला मोटिवेशन, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बन गया है। लगता है आज एक नया डिक्शनरी लिख ही दूंगा। इतने अच्छे प्रोनाउंसिएशन कहाँ बनते हैं भाई, लोगों को बिगड़ते देखा है। आज शब्दों को बिगाड़ने वाला देख रहा हूँ कि इतना बुरा था जो अब के ए वाई बना दिया। केबीसी में पूछे जाने वाला सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन, आप इतनी धनराशि का क्या करेंगे। मैं इस मोटिवेटर का पनपता चिराग से पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के इतने सारे शब्दों को बिगाड़ कर क्या बनाना चाहते हैं। जिंदगी में डिप्रेशन का आना गलत नहीं है। डिप्रेशन के समय मोबाइल इस्तेमाल करना, रील देखना, रील देखने के दौरान ऐसे कूदने वाले जंतु प्राणु मिल जाना, ये बहुत ज्यादा गलत है। Your attitude, like my shoes, very expensive, but always under my feet. तो ये है जिसके कारण मेरा दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में मोटिवेशन का गंध फैला रखा है और पता नहीं क्यों बाकी दोस्त डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। अब कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन वो तो कब का इंडिया छोड़ के चला गया। रील वाले ये गलत हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। जब पता है कि मैं डिप्रेशन में था तो इसको मेरे इंस्टाग्राम फीड पे लाया ही क्यों। अब मैं डिस्परेट होते जा रहा हूँ, लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और तुम्हें बहुत सुधार की जरूरत है। ऐसा करो कि कैमरा ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड किया करो। जब पता है कि बोलने के बाद भी सबटाइटल हाईलाइट करके एडिट करना पड़ता है तो लिपसिंग करना ही क्यों है। डोंट लीव मी बेबी प्लीज, आई फील सो पेन, अगेन कम बैक दैट प्लेस, व्हाट यू थिंक इन माय हार्ट। तू ब्लॉक करना बाद में, पहले खुद को ब्लॉक कर ले भाई। इस तरह से नए नए वर्ड का इन्वेंशन करोगे कैसे चलेगा भाई। लगता है चेन्नई एक्सप्रेस वाला बकवास डिक्शनरी इसी के पास है। रुक जा भाई, अपने फॉलोअर के लिए रुक जा। अभी नर्सरी में है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीख रहा है। इंस्टाग्राम पे संदीप महेश्वरी का अंग्रेजी रूप बना घूम रहा है। इसके अंग्रेजी और मोटिवेशन से मोटिवेट होकर पेपर में 2-0 मिल रहे हैं, पर पता नहीं स्टार्टिंग में 1 लगाना टीचर क्यों भूल जा रहे हैं। लगता है ये अंग्रेजी और मोटिवेशन से बना कंपाउंड बाकी टीचर को दिखाना पड़ेगा। What do you think about me? If you leave me, I will cry like others. Oh, baby, I play. इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो भाई, बिना सोचे समझे जाने बूझे ज्ञान देने आ जाते हो। खुद के लिए ज्ञान बचा कर रखा करो, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि WHO को बोल के मोटिवेशन को पेंडेमिक घोषित करवा देना चाहिए। जहाँ देखो वहाँ लोग ज्ञान दे रहे हैं, मत दिया करो भाई। ये बात प्यार से बोल रहा हूँ, तुम कितना भी समझदार, जानकार, ज्ञानी, पढ़ाकू, इंटेलेक्चुअल बातें कर लो, समझदार दिखने की पूरी कोशिश ही क्यों ना कर लो, एक बात याद रखना, जब खुद पे समस्या कठिनाई परेशानी का छोटा सा बूंद भी गिरेगा ना, सारा का सारा समझदारी साइड हो जाएगा, तब पता चलेगा कि गांड कैसे फटता है। ये कौन लोग हैं जो इसे अभी तक फॉलो कर रखे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। 1 लाख लोगों को इसमें ऐसा क्या दिख गया जो ये लोग इसको फॉलो कर बैठे हुए हैं। तुम सब मजाक में मत लेना, पर सीरियसली ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये खूबसूरत तरीके से आजकल के बच्चे को मोटिवेट कर रहा है। तुम्हें जानना है कैसे, सुनो। देखो, जब ऐसे निगलेक्ट किए जाने वाला आदमी इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर ले सकता है, पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर सकता है, तब तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, तुम जो चाहते हो वो बन सकते हो, पर होप जाने मत देना। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।